अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू मेथी गोश्त का सालन। आलू मेथी गोश्त बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 1 किलो गोश्त। 3 बड़ी साइज की प्याज को काट लेंगे और इसको इसी में डाल देंगे। चार हरी मिर्च काट कर डाली है मैंने इसमें। मुट्ठी भर धनिया पुदीने के पत्ते भी डाल लेंगे। 3 से 4 टमाटर बारीक काट कर डाल लूंगी मैं इसमें। सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1.5 टीस्पून, 1/4 टीस्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, 2 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर डालेंगे। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। और 5 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे तेल ऐड कर लिया है। और फिर मैंने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया। कुकर का ढक्कन लगा लिया सीटी के साथ और फिर इसे हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे 3 सीटी होने तक। पानी पूरा सूख चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 ग्लास पानी। पानी ऐड करने से पहले मैंने इसे लो फ्लेम पर भून लिया है 5 मिनट के लिए और फिर मेथी की भाजी इसमें ऐड कर ली। मेथी को मैंने पहले से ही धोकर रख लिया था और फिर मैंने पानी ऐड किया। आलू भी डाल लेंगे हम इसमें। अभी ढक्कन ढककर इसे 1 सीटी होने तक पकाएंगे। और आलू मेथी गोश्त का सालन तैयार है। ये बहुत ही आसान है बनाने में और ये बहुत टेस्टी भी होती है। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मिलूंगी किसी और मज़ेदार और जायकेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।